पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज के लिए फेस न्यूज चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। महिला दिवस के मौके पर फेस ग्रुप द्वारा फेस वुमेन्स अचीवमेंट अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन ट्रिपल एस स्टूडियो निर्माण बिहार इलाके में किया गया। फेस ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता गाजीपुर मुर्गा मछली मंडी के चेयरमैन भाई मेहरबान कुरैशी ने की तथा पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा सर्वोकोन वोल्टेज स्टेबलाइजर कंपनी के CMG हाजी कमरुद्दीन सिद्दीकी, कृष्णनगर जिला कांग्रेस अध्यक्ष गुरचरण सिंह राजू, दिल्ली प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रवक्ता इकरार मोहम्मद, अंजुमन रजाए मुस्तफ़ा के महासचिव मोहम्मद इकराम एडवोकेट, कांग्रेस नेता जुगल किशोर, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस मानवाधिकार एवं विधिक विभाग के महासचिव हरीश गोला एडवोकेट, अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानवाधिकार संरक्षण के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अशोक त्रहन, फिल्म डायरेक्टर सीमा डोगरा, मॉडल एंड एक्ट्रेस अनुष्का चौहान, सोनिया गौतम, रंजना गुप्ता, अरविंद वत्स, काजल राजपूत, राजेश्वरी सिंह आदि को विशेष अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया। मंच का संचालन दानिश अयूबी द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर सुधा रानी सिंह शिक्षाविद, वंदना सूरी समाज सेवी, शिवानी शर्मा एक्ट्रेस एंड मॉडल, नीरजा गुप्ता प्रोग्राम ऑफिसर दूरदर्शन, डॉक्टर बुशरा खानम जनरल फिजिशियन, सोनाली एजुकेशनलिस्ट, शिवानी तिवारी शर्मा समाज सेवी, निलिशा दीक्षित फैशन डिजाइनर, दीक्षा एक्ट्रेस एंड मॉडल, ममता दिलावरी डांस कोरियोग्राफर, समर खान सिंगर, रत्ना सिंह सिंगर, आकांक्षा डेनियल सिंगर, शिखा राजपूत एजुकेशनलिस्ट, श्रेया व्यास बिजनेस वुमेन को फेस वुमेन्स अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की सफलता में नेहा शर्मा, बिलाल अंसारी, उज्मान अंसारी, दीवा सिद्दीकी आदि का विशेष योगदान रहा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा और आज से नहीं 25 साल से तो मैं देख रहा हूँ। धर्म निरपेक्षता की मिसाल है ये दोनों, हर मजहब के लिए, देश के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं और सही बोलो नहीं भी दिल होता तो ये बुलाते तो आना पड़ता है। खुशी इसलिए होती है ऐसे मिलकर कि 2 साल तो हम लोग घरों में बंद हो गए ना, सच बात है। कोरोना ने हम सबको हमारी औकात दिखा दी, हमारे रिश्ते दिखा दिए। जो अहंकार करते थे हम लोग कि बहुत बड़े लोग हैं, उनको भी दिखा दिया हमने। वक्त फिल्म का जो गीत था उसके कंकरा था, आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। मिजाज ही तो बदला कि हम रोटी को तरस गए, मिलने को तरस गए, कम्युनिकेशन गैप आ गया, घर में सब कुछ होते हुए भी हमारी नज़रें पथरा गई। आप लोगों ने तो टीवी देखा होगा, सोशल मीडिया देखा होगा, हमने बहुत करीब से देखा है कोरोना को, शमशान घाट के अंदर रह के देखा है, जिसमें 2 या 3 बॉडीज आती थी, वहाँ 150 बॉडीज का आना, 200 का आना और अपनों का अपनों को हाथ ना लगाना। गुरबानी में जो लिखा था ना, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख से वही सब लागे, क्या दारा क्या मीत, प्रत्यक्ष देखा हमने। और उसी को करते करते हमारा ड्राइवर भी शहीद हुआ, संस्कार करते करते जो सेवा मेरे ड्राइवर्स ने, मेरे शमशान घाट के कर्मियों ने, मेरे बच्चों ने की, उसको देखते हुए राष्ट्रपति जी ने हमें बुलाकर जो पद्मश्री दिया उसके लिए पूरे देश का ऋणी हूँ। और ये पदक नहीं होता है, ये कोई मेडल नहीं होता है, ये एक जिम्मेदारी होती है। इसको पाने के बाद हमारा और फर्ज बनता है कि हम बढ़ चढ़ के और ज़्यादा सेवा करें। इसलिए हमने निश्चय किया हुआ है, जब मैं शमशान घाट में 22 दिन रहा, घर में नहीं जाता था, तो लोगों के बड़े फ़ोन आते थे, शंटी जी हम मौत से खेल रहे हैं। मेरा एक जवाब होता था यार, 25 साल से हम फौजी की तरह काम कर रहे हैं, शहीद भगत सिंह सेवा दल, आज देश के ऊपर इतनी बड़ी विपदा आई है और हम घर में सो जाए। और घर में मर गए तो फौजी घर में मर गए तो शहीद नहीं कहलाता ना, सीमा पे लड़के कहलाता है। तो मौत आनी है तो शमशान में आए ना, मजा कब आएगा, अपनी कर्म भूमि में आनी चाहिए। ईश्वर ने हमारी इज्जत रखी, सेवा भी करी, मौत भी नहीं आई, कोरोना से लड़ाई की, कोरोना से जीत भी गए हम। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, परमात्मा ये समाज कभी ना लेके आए,
और हम इसी तरीके से धर्मनिरपेक्षता की मिसाल बना के रखें। और यही कहूँगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में लड़ रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे भारत माता की। आज महिला दिवस पे महिला को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अंसारी साहब सेक्रेटरी की बात कर रहे थे, यहाँ मुसलमान कितने बैठे हैं? मुसलमान कितने? मुसलमान हाथ उठा दो, एक दो तीन बस चार पाँच सलामी का सलाम तो संगल एक ही हुआ है, हमारे एक ही होता है हमारे कैप्टन। देखो मैं इसको पार्टी का फंक्शन नहीं है जिसमें पार्टी की बात करूँ, लेकिन आज माहौल जो चल रहा है ना मैं उसमें बात करना चाहता हूँ। और पार्टी के लोग यहाँ बैठे हुए, दूसरी पार्टी के पार्टी लोग बैठे हुए हैं भाई, मेहरबानी कांग्रेस में बोलते थे, आज ये आम आदमी पार्टी में। मैं किसी के पार्टी में कटाक्ष करने के लिए नहीं खड़ा हुआ, मैं उस बात को प्रकाश करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अंसारी साहब ने अभी सेकुलरिज्म की बात की, भाई मेहरबान लव कुश रामला कमेटी के अंदर पिछले 40 वर्षों से काम कर रहे हैं, ये मुसलमान है इसलिए समझ करने के मेरे मोहब्बत में तुम तबका लगा रहे हैं वहां पर इंसानियत के नाते। अंसारी साहब रामायण का पाठ भी करते हैं, गीता का पाठ भी करते हैं, जागरण भी करते हैं, छोकी भी करते हैं, महात्मा गांधी का प्रोग्राम भी करते हैं, सेकुलर प्रोग्राम भी करते हैं, किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं क्योंकि पत्रकारिता के अंदर जुड़े हुए हैं और सबको जोड़ने का काम करते हैं। आज यहाँ पर जो महिला को जोड़ने का काम करते हैं, कोई फंक्शन हो सबको जोड़ने का काम करते हैं, मैं कह रहा हूँ उससे बड़ा सेकुलर आदमी कोई नहीं। आज इस बच्ची ने हिजाब पहना हुआ, इस हिजाब की लड़ाई लड़ी उन्होंने अभी, ये हिजाब के लिए, ये इंसान, ये किसी मैं हमारे सदारों में हम पगड़ी पहन रहे हैं, अब कल कहते पगड़ी तो आगे पगड़ी पहनी जाएगी, किरपान रखी हुई कभी किरपान तो किरपान नहीं पहनी जाएगी, ये जो बदतमीजी हो रही है ना देश अंदर, ये ठीक नहीं है। आप राजनीति कीजिए, आप राजनीति कीजिए, विकास की राजनीति कीजिए, क्षेत्र में काम करने की राजनीति कीजिए, महिला के लिए काम कीजिए, जो बच्चे हमारे नौजवान आ रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है उसको नौकरी दिलाने की बात कीजिए, हॉस्पिटल बनाइए, पुल बनाइए, कॉलेज बनाइए, इसकी राजनीति कीजिए ना। लेकिन नहीं, हम राजनीति करना चाहते हैं हिंदू मुसलमान की, जो आज देश के लिए बड़ी घातक होने वाली है, हम समझ नहीं इस बात को। आज मुझे मेरा मुफाद अच्छा लग रहा है क्योंकि हम सारी मेरे दोस्त मुसलमान है, मेरा अच्छा लग रहा है इसलिए मैं साथ हूं। अरे हम सेकुलर इसलिए साथ हैं, हम इसलिए साथ नहीं है कि हमारा कोई मामला, ये देश सबने जाते रहा है, ये देश सबका है, इस देश के अंदर सबकी कुर्बानी है। आज मैं कहूँ सिर्फ सुधारों की कुर्बानी है, गरीब बाकी लोग सबके बाहर है, कैसे हो सकता है? सबने कुर्बानी दी देश के अंदर, मुसलमान ने भी, इशफाकुल्ला साहब खान ने कुर्बानी दी है, शहीद भगत सिंह ने कुर्बानी दी है, तो इशफाकुल्ला साहब ने कुर्बानी दी है। आपको मालूम नहीं है जिस टाइम देश के अंदर लड़ाई लड़ रही थी, महात्मा गांधी जब छोटा मन में था, वो हैदराबाद के नवाब साहब थे जिन्होंने कितने टन छोड़ा उस टाइम मालूम है, निजाम हैदराबाद निजाम साहब। लेकिन हम असल में क्या है कि हम किताबें पढ़ने में हमारे इतिहास है, हम उसे इतिहास से कम हो गए हैं। आज हम खो गए हिंदू मुसलमान के अंदर ही, हम सारे व्हाट्सएप आता है, हमें जो व्हाट्सएप समझ आया हो उसको भेजो, उसको भेजो, इसको भेजो। अरे भाई ये व्हाट्सएप हमारे अंदर दूरियां पैदा कर रहे हैं, हमें दूरियां पैदा नहीं कर रही है, हमें इंसानियत को रखना है। हमने कोई अलग नहीं होना, मैं हर मीटिंग में बात करता हूँ, चलिए आप मुसलमानों बाहर कर दीजिए देश से, हिम्मत है नहीं, लेकिन कटाक्ष करके हिंदुओं को खराब करके राजनीति करनी है, वोट लेना है। अरे वोट तुम ले लो भैया, तुम राजनीति कर लो, तुम 20 साल और प्रधानमंत्री रह जाओ, हमें क्या फर्क नहीं पड़ रहा इस बात से। हम इस देश के बासिंदे हैं, आज कैसे देश चल रहा है, लेकिन देश को अच्छे से चलाना चाहिए, देश को देश के हित में चलाना चाहिए। हमको मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आज इंसानी साहब की मैं तारीफ करता हूँ, कहा जाता हूँ इससे बड़ा सेकुलर आदमी मैंने में देखा कि सेकुलर जब की बात करते हैं, मैं भाई मेहरबान के साथ इंसान जो मैं खड़ा हुआ है कि सेकुलर आदमी है, पार्टी में कोई किसी भी हो सकता है, विचारधारा किसी किसी में हो सकती है, इसको फर्क नहीं पड़ता, मैं कांग्रेस मेरी विचारधारा कुछ हो सकती है, लेकिन विचारधारा की लड़ाई नहीं है, ये इंसानियत की जो बातें हमको इंसानियत को खराब करना काम हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आज महिला दिवस पर मैं महिलाओं को बहुत बधाई देता हूँ और सबसे ज्यादा बधाई देता हूँ सारी साहब को, जो आप सब लोगों को हमको जोड़ते हैं, कहीं भी करते हो, छोटा फंक्शन हो, बड़ा फंक्शन हो, कोई फंक्शन हो, लेकिन जोड़ने का प्रयास करता है, हर आदमी जोड़ते चाहते हैं। पत्रकारिता वाली बात नहीं है, पत्रकार वाले लोग बहुत सारे, आज पत्रकारिता में जो चीज चल रही है वो सब लोग जानते हैं, जो पत्रकारों में काम चल रहा है वो लोग सब जानते हैं, क्या हो रहा है, क्या खेल चल रहा है। चलो मैं ख्याल में किसी निंदा नहीं करना चाहता क्योंकि सारे साहब पत्रकार है, ये तो इंसानियत के नाते पत्रकार है और
प्रसारित करते हैं, अच्छी अच्छी बातें लोगों तक पेश करने का काम करते हैं। तो मैं आपको दिल की गहराई से बधाई देता हूँ आचार्य साहब, आपने यहाँ प्रोग्राम रखा, महिला दिवस है, महिलाओं के लिए प्रोग्राम किया, उसके लिए आपको बहुत बधाई देता हूँ। और आप कलाकार जोड़ते हैं, वो बच्चा गाना गा रहा था, महसूस बड़ी अच्छी आवाज है, सिर्फ इंडिया गोट टैलेंट भेजना चाहिए। वहाँ पर जो काम डॉक्टर मुस्तफा कंसारी कर रहे हैं, अगर वो हर हिंदुस्तान का व्यक्ति करने लगे, और जो सरकार में आज बैठे हैं नुमाइंदे, मैं नाम लेने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, इस बात पर मैं डरता नहीं हूँ कि जो लोग हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाने की बात करते हैं उन लोगों से हमें होशियार रहना है। तो मेरा आपसे इसी मन से ये उम्मीद है, मैं सैल्यूट करता हूँ पहले तो महिला सम्मान को, महिला को सम्मान देता हूँ, नारी शक्ति को हाथ जोड़कर और सर झुका कर सम्मान करता हूँ कि आपकी भावना का कोई मुकाबला नहीं। जो सहन शक्ति आप में है, जो लड़ाई आप लड़ती है घर में, अगर आप घर में हमें प्यार मोहब्बत और सम्मान ना दें और बच्चों को कान पकड़ कर ना समझाएं तो हम इस मकान तक नहीं पहुंच सकते। मेहमान साहब, जो आज ये मंच है, ये सब महिलाओं की देन है, महिलाओं से बड़ी कोई भी चीज नहीं है, वो मल्टी कहते हैं मल्टी टैलेंटेड है, बहन बन के सेवा करती है, बेटी बन के सेवा करती है, बीवी बन के सेवा करती है, माँ बन के सेवा करती है, और उस पर सहती, और जब सबको खाना खिलाती है उसके बाद वो खाना खाती है जो भी बच जाता है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि अगर जो मैं कहता हूँ आपको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने की आवश्यकता नहीं, अपनी माँ को अगर आपने खुश रख दिया, अपने परिवार को, अपनी बीवी को खुश रख दिया क्योंकि वो भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, अपनी बेटी को खुश रख दिया, तो मैंने आपको बता दिया प्रभु को जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एक भगवान का रूप है तो वो माँ में दिखाई देता है। सबसे पहला गाना रत्ना जी ने किया तो मैं कह रहा हूँ मुझे रोना सा आ गया था, मुझे सारे अपने जो मेरी माँ के समय में मुझे सिखाए हुए या डांटे हुए जो हम शरारत करते थे वो बर्दाश्त करती थी, हम गलत भी करते थे तो भी हमें माफ कर देती थी, इतनी बड़ी शक्ति किसी में नहीं है महिलाओं में। तो हाथ जोड़ के नमन है और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ भाई इंसानी जी को, और बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मेहरबान साहब को, और बड़ा खुशनसीब समझ रहा हूँ कि आज मुझे मेहरबान साहब को छोड़ने का मौका मिला।